सीरीज का जो पहला प्रश्न था वह है, किसने कहा कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, सी ऑप्शन इसका सही है, महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न था वह है आदर्शवाद का मुख्य जोर, मुख्य जोर आदर्शवाद का, इसमें सही ऑप्शन है पहला शिक्षा के उद्देश्यों पर, तीसरा प्रश्न सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट विधि प्रतिपादित किया था, किसने किया था? यह सही उत्तर है पियर्सन, कार्ल पियर्सन ने, बी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न, हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि वे मानते थे कि ईश्वर परम मूल, सत्य परम मूल्य है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध है, पांचवा प्रश्न, डी ऑप्शन सही है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों है। छठवां प्रश्न, कोहलर ने विकसित किया, सी सूज का सिद्धांत, ऑप्शन सही है। फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है, ये सातवां प्रश्न था। फ्लैश बल्ब स्मृति, इसमें उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया, इसमें सी ऑप्शन सही है, कुल 16 कारकों का प्रयोग किया गया था कैटल के द्वारा। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, विवेकानंद, इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो, तो जो सही ऑप्शन है वह विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्वविद्यालय शांति निकेतन है, सी ऑप्शन सही है। टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है, इसमें टीएलसी का पूर्ण रूप टोटल लिटरेसी कैंपेन होगा, सी ऑप्शन सही है। एमिल के लेखक कौन है, 11वां प्रश्न था, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, रूसो एमिल के लेखक थे रूसो। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, व्यवहारवाद के पिता कौन है, व्यवहारवाद के पिता, इसमें जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, जे वी वाटसन व्यवहारवाद के पिता कहे जाते हैं। 13वां प्रश्न, अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो ये 13वां प्रश्न है, ये चंपारण बिहार में शुरू हुआ था, इसका डी ऑप्शन सही है, चंपारण बिहार सत्याग्रह। 14वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ए ऑप्शन इसमें सही है, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मनोऊर्जा का भंडार कहा जाता है, मनोऊर्जा का भंडार कहा जाता है किसको, इसमें बी ऑप्शन सही है, इड को कहा जाता है, इड मनो ऊर्जा का भंडार है। 16वां प्रश्न, व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है, व्यवहारवाद के सिद्धांत में पावलोव, फ्रायड, लेस्ले, एडलर, तो व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास, इसमें पावलोव होंगे, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है, नहीं में विश्वसनीयता गुणांक जो ये ऑप्शन है ये पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित हैं। 18वां प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये थार्नडाइक ने किया था, डी ऑप्शन सही है, थार्नडाइक ने किया था। 19वां प्रश्न माध्यिका, तो ये आप लगा सकते हैं, इसमें माध्यिका जो सही उत्तर है वह 6 आएगा, इसको आप भी कर सकते हैं, n+1/2, तो n+1 करेंगे तो कुल जो पद हैं वो 5वां और 6वां आएगा, पहले इसको आप सीरियल से कर सकते हैं, व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद n+1 और 2 करेंगे तो इसमें 5वां 6वां 6 6 2 बार आएगा, और जब उसको
निकालेंगे औसत तो वो 6 आएगा, इसका सही आंसर 6 होगा। 20वां प्रश्न है, रोर्सा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु तो अविकल्पित है, तो ये सी ऑप्शन सही है, अचेतन प्रयोजन, अचेत प्रयोजन। 21 प्रश्न संख्या 21, सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, मध्यांक और बहुलांक ये निश्चित रूप से रहते हैं मध्य बिंदु पर, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 22वां प्रश्न आता है, स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में है, तो इसमें क्या है, एक सामान्य और कई विशिष्ट मानसिक कार्य, इसमें बी ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न, रात तरंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित है, ये ए ऑप्शन सही है। 24 नंबर का प्रश्न, गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता है, तो ये जो सही ऑप्शन है वह है प्रयोग, बी ऑप्शन सही है। 25 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय महिला परिषद का अध्यक्ष कौन था, महिला परिषद का अध्यक्ष कौन था, गांधी, इंदिरा गांधी, हंसा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वरूप रानी बख्शी, तो सही आंसर इसमें बी है, हंसा मेहता, श्रीमती हंसा मेहता, ये सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर का प्रश्न, अधिगम के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो ये सब जानते हैं, थार्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। 27 नंबर का प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ये ब्रूनर की किताब है, सी ऑप्शन सही है। 28 नंबर का प्रश्न, किसने कहा था शिक्षा जनतंत्र की दाई है, ये बी ऑप्शन सही है, जॉन ड्यूबी ने कहा था शिक्षा जनतंत्र की दाई है। 29 नंबर का प्रश्न, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये ऑप्शन बी सही है, बंडूरा। 30 नंबर का प्रश्न, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत कहा जाता है संयोजनवाद कहा जाता है, डी ऑप्शन सही है, संयोजनवाद। 31 नंबर का प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ साथ बच्चे की लंबाई और भार बढ़ते हैं क्या कहलाता है, वृद्धि, ये मात्रात्मक विकास होता है तो ये वृद्धि है, भार, आयु, लंबाई। इसके बाद 32 नंबर पर हम आते हैं, 32 नंबर का जो प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, प्रकृति के अनुसार बालक का विकास, डी ऑप्शन सही है। अन्य शर्तें समान हो तो दो चरों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे कमजोर संबंध का संकेत करता है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 0.11 ये संकेत इसके द्वारा होता है। 34 नंबर, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था क्या, शीर्षक था, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ये ऑप्शन सही है। 35 नंबर, अंग्रेजी शासन खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो आप सब जानते हैं महात्मा गांधी, बी ऑप्शन सही, आगरा विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय है। प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया, तो ये जो प्रश्न है ये अगर देखा जाए तो उसमें प्रकृतिवादी सभी शिक्षण विधियाँ, खोज विधि, खेल विधि, वैज्ञानिक प्रोजेक्ट, सभी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है, इसमें खोज विधि आयोग द्वारा बताया गया है और खेल विधि भी होना चाहिए, तो ये थोड़ा विवाद का प्रश्न है। अब देखिए संशोधन क्या आता है, मापन का केंद्रीय मान कौन सा है, 38 नंबर का प्रश्न, मापन का केंद्रीय मान ये ऑप्शन सही है, माध्यिका होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, केंद्रीय मान में आते हैं। मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था, आप सब जानते हैं सिगमंड फ्रायड, डी ऑप्शन सही है, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया था। 40 नंबर पर आते हैं, दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक आर का प्रसार क्या होगा, तो ये ऋण 1 से धन 1 होता है, सी ऑप्शन सही है,
ऋण एक से धन एक। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, वसुधैव कुटुंबकम संदेश देता है, ये किसका संदेश देता है? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का संदेश देता है। सी ऑप्शन सही है। प्रयोग के माध्यम से पावलाव ने पाया कि सीआर के लिए सीएस और यूसीएस का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है, ऐसा न होने पर सीआर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना। सी ऑप्शन सही है। अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा स्वीकार किया था? तो इसमें आयोग किंकेगार्ड मान रहा है, शास्त्र की भी बात आती है, तो ये थोड़ा भ्रम का भी है, तो जो भी संशोधन होगा बताया जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न, जीव ही शिव है, यह किसका कथन है? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। सी ऑप्शन सही है। शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है, तो ये विवेकानंद का यह भी कथन है। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मानक उसकी निम्नलिखित अवस्था में विकसित किए जाते हैं, इसमें बी ऑप्शन सही है, मानकीकरण के समय विकसित किए जाते हैं। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षक सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी? इसमें डी ऑप्शन सही है, 1990 तक। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? तो ये बी ऑप्शन सही है, मानव निर्माण के लिए शिक्षा, ये विवेकानंद का दृष्टिकोण है। शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, क्या नहीं किया गया था? शिक्षा का निजीकरण, ये प्रस्तावित नहीं था, ये बाद का विषय है। शैक्षिक लब्धि EQ को किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? तो ये बी ऑप्शन सही, इसमें बहुत से लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, ई एक जगह एम ए मान लेते हैं, तो ये ध्यान देना है, बी ऑप्शन सही है। शिक्षा में कर्जन ने जोर दिया था, तो कर्जन ने विस्तार की भी बात की थी, गुणवत्ता की भी बात की थी, तो ये आयोग विस्तार को सही मान रहा है, कोई संशोधन होता है तो इस पर ध्यान देना है, गुणवत्ता भी हो सकता है। 52 नंबर का प्रश्न, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, तो ये विवेकानंद का कोटेशन है, मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए। विनय भवन, ये विनय भवन टैगोर का है, ये ऑप्शन सही है। 54 नंबर का प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इरिक्सन ने किया था। मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं, कौन सी हैं? विश्वसनीयता और वैधता, सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1938 में हुआ था, डी ऑप्शन सही है। जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल तथा निर्बल हो जाते हैं वह है, क्या कहा जाएगा इसको? 57 का बी ऑप्शन सही है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन। साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? बी ऑप्शन सही है, 8 सितंबर 2009 को किया गया था। सहसंबंध गुणांक की कोटि अंतर्विधि का प्रतिपादन किसने किया था? 59 नंबर का प्रश्न, स्पीयरमैन ने किया था, डी ऑप्शन सही। बालक का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये उपर्युक्त सभी इसमें सही होगा। 61 नंबर प्रश्न, कौन सा स्थानाश्रित औसत है? ये माध्यिका इसमें आएगी, बी ऑप्शन सही है। 62 नंबर का प्रश्न, धर्म एक संस्था है क्योंकि यह लोगों के नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है, बी ऑप्शन सही है, ध्यान देना इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आता है 63 नंबर पर, हम आते हैं, हंटर कमीशन कब गठित हुआ? फरवरी 82, हंटर कमीशन फरवरी 1882 में। किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह उसका राष्ट्रध्वज होता है, डी ऑप्शन सही। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित हैं, 65 नंबर का प्रश्न, थर्सन से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसमें 21 ए सही होगा।
ध्यान देना है, आयोग ने गलत उत्तर दिया था लेकिन इसका 21 से सही होगा। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? मुक्तात्मक अनुशासन, सी ऑप्शन सही है। 68 नंबर का प्रश्न, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है वो कहा जाता है बहुलांक। तो चरों एक्स वाई के सार्थक धनात्मक सहसंबंध हैं, इसका अर्थ है कि वह एक्स वाई एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होंगे। बी ऑप्शन सही है। कच्चे आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा? 20 होगा। शेरशाह सूरी किस स्थान छात्र हैं? जौनपुर के छात्र रहे हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग आगबन का है, ये ऑप्शन सही है। सांस्कृतिक पिछड़ापन, क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या होगा? शारीरिक गठन, क्रेस्मर ने शारीरिक गठन के आधार पर वर्गीकरण किया था। विश्वसनीयता मापन की एक विधि है, 74 प्रश्न, इसमें ए ऑप्शन सही है। परीक्षण पुनः परीक्षण, कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है? प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, उपरोक्त सभी। इसमें सी ऑप्शन और डी, ये तो हटा दें, लेकिन प्रकृति और यथार्थ ये दोनों विज्ञान का समर्थन, वैज्ञानिक विधियों का समर्थक है, तो इसमें विवाद का प्रश्न है। ये प्रकृतिवाद भी सही हो सकता है और यथार्थवाद भी सही है, आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक, तो ये बेकन आयोग मानता है, लेकिन बेकन सिर्फ निगमन विधि के प्रतिपादक कहे जा सकते हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक थे, इसमें अरस्तु होना चाहिए, ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था, किस लिए प्रारंभ किया गया था? ये बी ऑप्शन सही, प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए, इसमें बी ऑप्शन सही है। 78 में कौन सा भिन्न है, क्या भिन्न है इसमें? विश्वसनीयता, प्रतिदर्श, वैधता और मानक, इसमें बी ऑप्शन जो प्रतिदर्श दिया ये और सबसे अलग है। मंद बुद्धि की बुद्धिलब्धि 50 से 70 होती है, डी ऑप्शन सही है। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान परीक्षण 70 अंक और गणित में 50 अंक प्राप्त किए, इन अंकों को निम्न में से परिवर्तित कर तुलना की जा सकती है। 80 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसमें डी ऑप्शन मानक प्राप्तांक ये सही इसका उत्तर होगा, डी ऑप्शन सही है। 81 नंबर का प्रश्न, प्रयोजनवादी का केंद्र बिंदु बालक होता है। 82 नंबर का प्रश्न, अरविंदो के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा गया? 82 नंबर, इसमें डी आएगा क्योंकि वह भारतीय और पाश्चात्य को एकीकृत करता है। 83 नंबर, लंबी विधि माध्य की वह है सिग्मा एफ एक्स अपान एन, डी ऑप्शन सही है। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें सी ऑप्शन सही है, तत्वमीमांसा दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है यो तत्वमीमांसा है। 85 नंबर, दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है? 85 में डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। 86, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर पाया जाता है, क्या अंतर पाया जाता है? उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण। 87, सृजनात्मकता का जनक किसको कहा जाता है? टोरांस ईपी को कहा जाता है। 88 नंबर प्रश्न आगे, शिक्षण का एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया, कौन विकसित किया था? आसवेल ने विकसित किया था। विद्यालय समाज का अलग रूप है, ये जॉन डेवी कथन है, ऑप्शन डी सही है।
दूरदर्शन का आविष्कार जे एल बर्ग ने किया था, डी ऑप्शन सही है। कोहल बर्ग ने 6 विकास की अवस्थाएं बताई, सी ऑप्शन सही है। 6 अवस्थाएं बताई थी। किसने जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं? इसमें बी ऑप्शन सही है, हेवार्ड और ओरलेस्की ने किया था। बी ऑप्शन सही है। वर्तमान दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन इंटरनेट है, डी ऑप्शन सही है। 94 प्रश्न, सीखने के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए थांडाइक ने, आप सब जानते हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। साखी अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है, किस पर? उपर्युक्त सभी, आप इसको पढ़ लें। गलतियां करके सीखता है छात्र, तभी सीखता है जब वह पूर्ण विषय का प्रत्यक्षीकरण करता है और शिक्षण निदान उपचार साथ साथ चलता है, पुनर्वाल बलन प्राप्त करता है। 96 का प्रश्न, केंद्र सरकार की शिक्षा क्षेत्र में कानून बना सकती क्योंकि वह समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है शिक्षा। 97, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT दिया, उसकी व्यक्तित्व की जांच के लिए होता है TAT, सी ऑप्शन सही है, व्यक्तित्व जांच के लिए। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर पर आते हैं, स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि इसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, किसने कहा था? 98 में बी ऑप्शन सही है, गांधी ने कहा था। नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षा देना। 100 नंबर का प्रश्न, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, किसने कहा था? ये जॉन ड्यूबी का कथन है। 101, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया था? सी ऑप्शन सही है, आत्मा अभिव्यक्त को नहीं सुझाया था। बुद्धि बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थांडाइक ने किया था। 103 नंबर का प्रश्न, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? जीन पियाजे थे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1958 दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से ये जाना जाता है। 105 नंबर, रोडसा का शाही धब्बा परीक्षण एक उदाहरण है, ये डी ऑप्शन सही है, अभिव्यक्ति प्रविधि का उदाहरण है। 106 नंबर का प्रश्न, इसमें उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसका है? तो ये बी ऑप्शन सही है, कार्ल मार्क्स का है, बी ऑप्शन। 107 नंबर का प्रश्न, कौन कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? 107, वार्षिक परीक्षा, सी ऑप्शन सही है, योगात्मक मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा। आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है? 1 से बड़ा, बी ऑप्शन सही है। 109, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ब्रूनर थे, बी ऑप्शन सही है। MMPI का संबंध किससे होता है? MMPI, 110 नंबर का प्रश्न, इसमें डी व्यक्तित्व से संबंधित है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, बी ऑप्शन सही। ऋणात्मक शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रकृतिवाद से संबंधित है, निषेधात्मक शिक्षा, ऋणात्मक शिक्षा। 13 नंबर का प्रश्न, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये बिहार में है, बी ऑप्शन सही है, आन एजुकेशन पुस्तक लिखी गई। 114 नंबर का प्रश्न, अरविंद द्वारा लिखी गई है। शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसने दिया? 115वां प्रश्न शिक्षण व्यवहार सिद्धांत गार्डनर का है, डी ऑप्शन सही है। किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया? 116 का, सी ऑप्शन सही है, विलियम जेम्स, इसमें सही आंसर है। 17 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलासफी नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो ये जॉन ड्यूबी ने लिखा था, सी ऑप्शन सही है। बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किया गया
किसके द्वारा ग्लेशियर के द्वारा विकसित किया गया, सी ऑप्शन सही है। 119 कौन सा विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मानक विचलन। शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, इसमें ब्राउन इसके लेखक थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1953 में, इसमें बी ऑप्शन सही है, 1953। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था विलियम मुंट ने, बी ऑप्शन सही है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। वुड के घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई थी, 123 नंबर में, उपर्युक्त सभी, ये सही है, सिर्फ मिशनरी, सिर्फ कंपनी, सिर्फ देसी, ये तीनों के लिए की गई थी। विकास के पारिस्थितिपरक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन बी ब्रोन फ्रेन बोनर, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ब्रेन फ्रेन बोनर। 125 बुद्धि लब्धि का सूत्र एम ए अपान सी ए, ये सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार साथियों 125 प्रश्न जो पीजीटी शिक्षा शास्त्र में पूछे गए थे उसका संपूर्ण हल मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक दो प्रश्न हैं जो आयोग द्वारा उत्तर उसके परिवर्तित बताए गए हैं, जो भी संशोधन होता है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप सबको बताया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।